अरे भाई ये कुब आज तो बहुत सर्दी लग रही है। अरे भाई चर्बी वाला गोश्त खाओ तो सर्दी की काट भी हो। यहाँ तो जो भी आवे यही कहे रूखा दे दो, रूखा दे दो, गोल मोटी निकाल दो। अल्लाह भला करे तुम्हारा भाई, पता ही नहीं गोश्त खाने का। ये लो भाई। हाँ जी साहब जी, दो किलो खीमा रूखा प्लीज, थोड़ा हद दिए। अच्छा अच्छा चल बेटे डाल दे। अच्छा जी, दो मरतबा पानी का हाथ लगाए बगैर। हाँ वो काफी है जी, काफी है। और तो नहीं चाहे? नहीं नहीं बस ठीक है, शुक्रिया। अच्छा अच्छा आए जी मास्टर जी। बस वही 8 किलो गोल जो आप मुनासिब समझे। चल मैं उतार पे दस्ती ऊपर से। अबे ठहर जा, रुक जा एक मिनट को। वो तख्त पोस के तले से थैली निकाल के डेरी की। अच्छा जी, अपने मास्टर जी भी क्या याद करेंगे। ले मास्टर जी, बगदाद के खलीफे खावे थे ये गोश्त। हाय 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 हाय, याकूब भाई ये तो कुछ ज्यादा मालूम होता है। 8 किलो से ऊपर है मास्टर जी, और है भी तोहफा, तोहफा परियों का नाश्ता है। हाय 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 हाय, तो फिर क्या पेश करो? वही 4 रुपए 8 रुपए किलो। अच्छा याकूब भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उस्ताद जी अत भाड़ी रह गई थी कीमे वाले की। कौन सा कीमे वाला? वही जिसने 2 किलो कीमा बनवाया था जी, रूखा। रह नहीं गए उस्ताद, इसने जान बूझ कर रख ली है। जान बूझ कर रख ली है, वो हड्डी रह गई है, कोई रोग नहीं चिकनाई तो नहीं। ओबे लुट जा भाग उसके पीछे, हड्डी वापस दे गया उसको, वरना जीवा कर दूंगा इसी तख्त पोस्ट पे। उस्ताद जी वो बहुत दूर निकल चुका होगा। मैं ना मानू, जा जल्दी से जा, एक मुद्दे हड्डी उस तक ना पहुंची तो तू भी वापस नहीं पहुंचेगा इस अड्डे पे। दबाव ताजी, मुझे उसके घर का नहीं पता जी। अरे ठंडे खुए के पास उसका घर है, काटी मुड़ते ही लाल जुबारे वाला। लाल जुबारे वाला और तू भी सुन ले उमर भर को, अगर अड्डे पे बैठ के बेईमानी की या ग्राहक से ज्यादा दाम वसूल किए, जो लॉलेज किए किसी किस्म को, हाँ तो तेरा घर तो बर्बाद होगा ही, पूरे शहर से बरकत उठ जाएगी, पूरे शहर से। और मखलूक के खुदा तड़प तड़प के तरस तरस के मर जाएगी तेरे सामने, और तू यूं हो जाएगा इनकी तरह, इनकी तरह फारस का मारा हुआ पीप भरा कुत्ता। और उम्र भर को याद रख, जहाँ हलाल और हराम इकट्ठे हो जाए, हराम का पल्ला हमेशा भारी होवे, चाहे थोड़ा ही क्यों ना होवे। बबरदार।
हाजी वो सरताज कहाँ है? अभी आ जाएगी, यहाँ नेबर्स में गई है, तुम जरा इंतजार कर लो। मेरा ख्याल है कि चलता हूँ जी। और मेरा ख्याल है कि हम दोनों चलकर ग्रीन रूम में बैठें और कॉफी पिए और सरताज के आने से पहले फ्रेंड्स बन जाएं। इस आंटी मैं चलता हूँ, आप ये फोटो स्टेट नोट्स सरताज को दे दें प्लीज। बैठो भाई, बैठो। थैंक यू। अब्दुल रहमान, दो कॉफी ग्रीन रूम में प्लीज। थैंक यू। अच्छा तो इस दफा इम्तिहान में तुम फिर फर्स्ट आ गए? सरताज बता रही थी मुझे। नहीं, सरताज के मुझसे सिर्फ 5 नंबर कम है। खैर अब तो इस कदर वो माइंड नहीं करती, मगर पहले सेमेस्टर में तो वो दुआएं मांगा करती थी कि तुम कहीं चले जाओ, शहर से या मुल्क से। वो जी पहले सेमेस्टर में मैं भी दुआएं मांगा करता था कि सरताज की शादी हो जाए कहीं और वो कॉलेज छोड़ दे। हाउ फैसिनेटिंग, कभी कभी अपने एनिमीज के साथ बड़ी इक्वेशन बन जाती है ना जी। मेरा ख्याल है खाम खाल सरताज को एमए बॉटनी करा रहे हैं, ये डॉक्टर साहब का शौक है, बोला लड़कियों को इतनी टेक्निकल तालीम देने की बोला क्या जरूरत है। सरताज का एप्टीट्यूड है आंटी, इस सब्जेक्ट में वो बहुत ज़हीन है। ये जो टैंकी का ओवरफ्लो है भाई, इसकी वो वजह नहीं जो आप समझती हैं। हेलो चिश्ती। यूसुफ, ये सरताज का क्लास फेलो है, बड़ा हार्ड कॉम्पिटिशन है दोनों में। बैठो भाई, बैठो बैठो। अरे यार खड़े क्यों, बैठो। थैंक यू सर। आप समझती थी नो रिटर्न वेल्व खराब है, प्लम्बर साहब ने वो भी बदल दिया, फिर भी धड़ाधड़ शराशर पानी ओवरफ्लो कर रहा है। ओह व्हाट अ मेस। डॉक्टर साहब आप यहाँ रहें और इन मसलों से दो चार हों तो पता चले। आपको क्या मालूम कि ये इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर फिटर ये तमाम टेक्निकल हैंड्स किस कदर तकलीफ देते हैं, कैसे उल्लू बनाते हैं। तो आपको किसने कहा है आप यहाँ रहें? आप भी चले हमारे साथ टोरंटो भाई, इधर टेलीफोन करें उधर प्लम्बर आ जाए, नलका नाली दुरुस्त, जस्ट नो प्रॉब्लम। और सरताज की पढ़ाई? चले एक सेमेस्टर बाकी है फिर सही। ये जो तुम्हारी आंटी है ना यार, क्या नाम बताया था जी? यूसुफ। हाँ यूसुफ, तो जनाब ये हर साल मुफ्त में कैनेडा देख जाती है, लेकिन वहां सेटल होने पर रजामंद नहीं होती। कल्चर वहां का मुख्तलिफ, जबान वहां की और रिश्तेदार दोस्त सब यहाँ, फिर वहां क्यों परमानेंटली सेटल हूं, किस लिए? अल्लाह का दिया सब कुछ है। इनका ख्याल है, इजहार तो नहीं करती खुले लफ्ज में, लेकिन ये चाहती हैं मैं यहाँ आ जाऊं और प्रोफेसर बन जाऊं किंग एडवर्ड कॉलेज में। तो इसमें क्या है, बड़ी इज्जत है प्रोफेसरों की। जितना मैं महीने में यहाँ कमाऊंगा ना, उससे आपके गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, कार का पेट्रोल भी नहीं चल सकेगा। तो हम अपना स्टैंडर्ड लिविंग कम कर लेंगे। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक बार बड़ा हो जाए तो फिर कम नहीं होता मुनव्वर बेगम। बच्चा एक बार पैर निकाल ले तो कार छांट कर बच्चा नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी एक प्रोसेस है, इसमें एक बार मोमेंटम पैदा हो जाए तो फिर चल सो चल आगे से आगे। मेरा ख्याल है जी कि मैं इजाजत लूं आपसे जी। अच्छा अंकल खुदा हाफिज। आंटी थोड़ी देर बैठते, सरताज अभी आ जाती है जी। मैं उसे यूनिवर्सिटी में मिल लूंगा। तो कॉफी नहीं पियोगे जी? ये सब छुप कर कहाँ बैठी हैं आज? हेलो यूसुफ। हेलो। हम तो यूसुफ का दोस्त बना रहे थे, तुम खामखा आ गई इस बीच में। ये दोस्त वोस्त किसी के नहीं बनते अम्मी, इनकी दोस्ती सिर्फ अपने ग्रेडों से है। फिर चुएंगा निकाले से फर्क, सारे दांत खराब हो जाएंगे। तमाम मेडिकल जर्नल्स में सिगरेट और चुएंगम के खिलाफ इतने मजमून छपते हैं, तुम लोग फिर भी नहीं मानते। मैं चलता हूँ सरताज। इतनी जल्दी? भाई मुझे भी असाइनमेंट भी तैयार करनी है ना जाके। अच्छा अंकल खुदा हाफिज। चल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आंटी। खुदा हाफिज। मैंने सेव करके आई अभी। ओके okay.
सुन तो ले लड़के का हदूदर बात। सुनकर क्या करेंगे, एक ही तुम्हारी बेटी है और फिर अल्लाह का दिया वो सब कुछ मौजूद है, फिर मैं जो अपनी बेटी को परदेश में ब्याहूं। अच्छा भाई मुनव्वर बेगम, सरताज को कंसल्ट कर लेते हैं, उसी के मुस्तकबिल का फैसला है। क्यों अबू? मेरा एक असिस्टेंट है टोरंटो में, डॉक्टर इकतदार, ही इज FRCS एंड एन हार्ट स्पेशलिस्ट, बिल्कुल उस लड़के जैसा। क्या नाम था उसका? यूसुफ। पहले आप टोरंटो जा बैठे, अब इसे बंक सीट रहे, यहां के सब लड़के मर गए। वो लोग, वहां का माशरा, वहां की वेजेस हमारे मुल्क से बेहतर है मुनव्वर बेगम। वहां के माशरे में सोशल जस्टिस है, वहां अमेनिटीज इतनी है कि एक शरीफ आदमी सिक्योरिटी के खौफ के बगैर जिंदगी बसर कर सकता है। वहां के लोग इतने पंक्चुअल और वादे के पाबंद हैं। क्यों सरताज? व्हाट डू यू थिंक सरताज? आई कैन शो यू फोटोग्राफ डॉक्टर इकतदार की। अगर मैं इसे बता भी दूं कि, लेकिन बताने को है क्या? डॉक्टर इकतदार की तस्वीर और बस। मुझे फोर्स तो नहीं कर सकते ना, और अगर मजबूर भी करें तो मैं बता सकती हूँ क्या? बता सकती हूँ, मैं क्लियरली बता सकती हूँ कि मैं उसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन यूसुफ को क्या बताऊँ? यूसुफ को बताने के लिए है क्या? नाराज तुम अब्बू से हो और बोलती तुम यूसुफ से नहीं हो, बोलो क्या ये इंसाफ है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अच्छा, अगर मुझे वजह पता चल भी गई तो मैं क्या कर लूंगा? इसी तरह ठीक है यूसुफ मियां, बगैर वजह मालूम हुए हम एक दूसरे से अलहदा हो जाएं, लेकिन एक दफा पूछ लेने में क्या हर्ज है कि आखिर वो मुझसे बोलती क्यों नहीं, मैंने क्या किया है? छोड़ो यार, अब मौका है, भाग जाओ, फरार की राहें खोली हैं, भाग जाओ, भाग जाओ। तो क्या एक बार भी नहीं पूछोगे कि वो तुमसे क्यों नहीं बोलती? एक बार भी नहीं? पता नहीं, कुछ पता नहीं, पता नहीं। फिर आँख अजोगिया झूठ बोले हो, अब क्यों रुठड़े यार मिलामदाई? अब यूसुफ बेटा, अब क्या बात है, तू कॉलेज नहीं गया? खुशने जी, अरे बताया यार, क्या बात क्या है? खुशने जी ऐसे बस। इधर है मेरे पास। बोलो क्या बात है बेटे, तू कॉलेज क्यों नहीं गया? बस जी ऐसे ही। अरे बैठ बैठ यार, क्या खड़े कहां से आए हो? हाँ जी बोलो ना, क्या बात है? ना क्या बात है, कॉलेज नहीं गया, लड़ाई हो गई किसी से? नहीं जी। तो फिर आज सुनाई हो गई किसी के साथ? अब्बा हम
हम गरीबों की किससे आशनाई होनी थी। तो फिर बात करना यार, ये चुप क्यों है तू? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, तू ही समझेगा इस खामोशी को। इसका दूसरा सिरा तो मुझे भी नहीं मिलता। खुल के बात कर यार, ये अर्जी दो हर भी बहाल ली या मरते रहो, ये बीच बीच मुझे पसंद नहीं। बा वो मेरी क्लास में तो है ना बा, सरताज। सरताज वो अब्बा तूने देखी तो थी उस दिन मेरे साथ मोटरसाइकिल पर। मोटरसाइकिल पे वो अब्बा जब हम लाइब्रेरी से निकल रहे थे। लाइब्रेरी अब्बा जब तू सब्जी खरीद रहा था रेड़े वाले से। सब्जी तो मैंने हजार मरतबे खरीद दी है रेड़े वाले से। अब्बा जब मैंने हाथ हिला के तुझे सलाम किया था। सलाम सलाम तो तू हमेशा ऐसे करे जैसे जाला उतारे हैं छत से। बस अब्बा वही तो है सरताज। क्या हुआ, क्या उसे, क्या बात? उसके अब्बू आए कनाडा से, वहां उसकी मंगनी करना है डॉक्टर के साथ। तो ये तो अच्छी बात है बेटे, डॉक्टरों का आजकल बड़ा काम है भाई, बड़े जोरों पर चल रहा काम इनका। ओह पर अब्बा वो शायद ये नहीं चाहती ना सरताज। ना वो क्यों नहीं चाहे? उसका मेरे साथ वादा है अब्बा। देखो काले मुंह वाला कहता चाची दो दिन बाद भर के। जितने शैंपू उतने दावे, क्या कोई शैंपू वाकई खुश्की दूर करे? मैं इंग्लैंड में हूँ, आइए एक्सपर्ट से पूछते हैं। हमारा एगम रिसर्च सेंटर इंग्लैंड बालों पर रिसर्च का मुस्तनद इदारा, यहाँ एक्सपर्ट्स ने मुख्तलिफ शैंपूज के टेस्ट किए। नतीजा, जहाँ दूसरे शैंपू खुश्की छोड़ जाए, सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स करे बालों से खुश्की का 100% खात्मा। हेड एंड शोल्डर्स, खुश्की खत्म, बाल खूबसूरत। एगम रिसर्च सेंटर इंग्लैंड ने साबित कर दिया, हेड एंड शोल्डर्स 100% खुश्की खत्म। गुलाम जो रहा और ठंडा पानी पी सावा। ना मेरे पास तो हजारों पेंजे, एक मिनट में सारे शहर की रुई पींच के रख देंगे मेरे वास्ते। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, अब बैठ जा आराम से और यूसुफ के साथ बात कर। हाँ बेटा। हाँ क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। अरे तुमने कुछ कहा इसे? अच्छा ये बता कि वो बीबी को बताया कि हम कौन लोग हुए? पता नहीं, शायद मालूम हो ना। तूने तो नहीं बताया अपनी जुबान से कुछ? नहीं नहीं, मैंने जिक्र नहीं किया कभी। अरे कौन बीबी, किसकी बात कर रहे हो? ना इतना तो उसको पता ही होगा कि हम हमारी हैसियत क्या होगा। ना पर हमारी हैसियत किसी से कम है, किसको पता होगा जी है? सुनो बैठ गया, बैठ। उसका वालद क्या करे? वो जी डॉक्टर हैं कनाडा में। कहा? वो जी विलायत में। रहमे कहा? समनजार में। समनजार? अरे कौन लोग? वो है कोई लोग, तुम तो सबर करो। वाह। हाँ तो बेटे वो आ जाएगी ना बीबी? हाँ आ जाएगी। आज आएगी क्यों नहीं अब्बा? हाँ कम से कम उसको ये तो पता चले कि हम कौन लोग हों, किस हैसियत के हों, कैसी तबीयत के हों, किस इलाके में रह हुए हैं। फिर भी अगर वो अपने कॉल पे कायम रहे सुभानअल्लाह, इनकार ही हो जाए तो बिस्मिल्ला। कौन बीबी? देख बेटे हमारे खानदानी लोग, सामने गोसत में हड्डी डाल के गोसत तोला, ठूंगा नहीं मारा तराज को कभी। हाँ बस एक दफे तू उसको यहाँ ले आ, घर दिखला दे हम सब लोगों के समेत। अरे किसे बुला रहे हो? ना ये बता कि वो आ जाएगी ना। आइए बा। अरे मैं कहती हूँ किसे बुला रहे हो? ठहर जाओ गुलाम जोरा, ठहर जा मुझे बात करने दे। आ जाएगी ना? आएगी ना अब्बा, क्यों नहीं आएगी? ऐसे मामले में बेटे अपना अंदर बाहर बिल्कुल साफ जाहिर कर देना चाहिए, अच्छा होगा। ठीक है जी। तो तुम दोनों किसकी बातें कर रहे हो? गुलाम जोरा लग जाएगा तुमको भी पता, अगर लगना हुआ तो। तुम तो गोगे पेंजे से भी बढ़ गया, मेरी बात ही नहीं सुनते।
ठंडा पानी पी तू, ठंडा पानी। और कहाँ पानी डालना आंटी? बस बेटी, अब बस कर, शाम हो गई। अच्छा, दो बाल्टी और आंटी। हाय, बड़ा मजा आ रहा है, इतना मजा तो कभी पिकनिक पर भी नहीं आया। अरे यूसुफ आ गया तो अभी नाराज होगा। हाँ बेटी, एक तो तूने इसका पानी भर दिया, दूसरे यूसुफ नाराज हो गएगा। वहां बेटे का बस यही हाल है, वो क्या कहें कि गुंगे आगे गावना, बहरे आगे गल, और वो अंधे आगे नाचना, तीनों अलल पलल, और चौथे चौथे ये वहां बेटा हो। एक बाल्टी और भर लो। चल एक बाल्टी और सही, और कपड़े ना भी बहुत सर्दी पड़ रही है। नहीं आंटी, अब तो मुझे आ गई चरखी घुमानी, अब पानी नहीं गिरेगा। Crataegus oxycantha, Cannabis indica, Potentilla reptans, Penicillium roqueforti। देखो यूसुफ, कितनी खूबसूरत एक पैदा हो रही है। अगर मेरे घर में ये खोई होती ना, तो मैं तुम्हें कभी फर्स्ट ना आने देती। कितना आसान तरीके प्लांट फैमिलीज के नाम याद करने का। Crataegus oxycantha, Cannabis indica, Potentilla reptans, Penicillium roqueforti। बस कर बेटी, बस कर, अब और मत पानी निकाल, बस कर मेरी बेटी। आजा, शाम पड़ गई, चाय पी ले मेरा बेटा साबस। आजा। ओ बेटी, इन खुइयों के पानी बहुत ठंडे हो गए हैं। आजा साबस, आजा, ठंड लग जाएगी। अच्छा, बड़ा ठंडा पानी है तुम्हारी खुई का। मैं भी अम्मी से कहूंगी पिछला ट्यूबवेल उखाड़ कर ऐसी ही खुई लगा दे। आई अंकल, देखा आप कैसे काम पे हैं। ले ले मेरा कंबल उड़ ले मेरी बेटी। अब्बा लो, अब्बा सरताज कहाँ उड़ेगी कंबल? क्यों अंकल, तुम्हारी तरह थोड़ी है। इसके सामने तो मुझे निमोनिया हो जाए तो इसे परवाह नहीं। अरे तीन स्वेटर पहने हैं अंदर, एक केसरी एक फिरोजी। नहीं आंटी, बस ठीक है। हाय जलेबियां, मेरी फेवरेट जलेबियां। अभी अभी निकलवा के लाया हूँ, गरम गरम। ले भी गुलाम जो रहा, आज से दूर ला दू, खूब गरम जोस देकर उसमें जलेबियां डाल के खिला अपने सरताज बेटी को। अच्छा नहीं अंकल, फिर सही, अब देर हो जाएगी। क्यों फिर, क्यों अभी क्यों नहीं? है ना ऊत का ऊत, कभी लड़की भी रुका करे कहीं, पीछे घर वालों का भी ख्याल हो। वो किसी ने तीर से पूछा, भाई भागो क्यों हो? तो उसने जवाब दिया, हुजूर दांत वाले जोड़ देवे। तो बेटी क्या रुकेगी पराई धार पे, मत रोक इसको। तुम्हारे लिए चाय बना दो फुल कप। बना 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 आंटी, बना चाय। तुमने तो मुझे सरताज से डरा ही दिया था। मैं तो सुनती थी पता नहीं कैसी होगी, मगर ये तो बिल्कुल हमारे जैसी है। मैं तो सुन रही थी कोई चमगादड़ होगी, उल्टा लटका देगी हमें। मगर ये तो जब से आई हुई काम कर करके इसका बुरा हाल है। मुझे क्या पता था ये सारा दिन बोका ही निकालती रहेगी। वाह, अच्छा इंप्रेशन डाला तुमने मेरा आंटी अंकल। ओ बेटी, माँ बेटे का यही हाल है। वो क्या कहे, बुलाओगे तो क्या खिलाओगे, हमारे यहाँ आओगे तो क्या लाओगे। अरे बेटी, इनकी बातों पर बैर ना जाना। अच्छा, ये तो हर बात का कीमा बना देते हैं भुगदा मार के। एक मिनट आंटी, मैं जरा खोई देखा। सरताज बेटी, ये 207 से यही है, कहीं नर्स नहीं जाएगी। एक मिनट आंटी, मैं अभी आती हूं। बेटी रुक रुक जा बेटी, है ना जल्दी। ओ तू तो ठहर जा आंटी, ना डर ना डर, वो देसी लौंडियों की तरह डराए नहीं है। ना डर ना डर, बैठ जा आंटी।
यूसुफ, यूसुफ इधर आना प्लीज। क्या बात है? कितनी खूबसूरत है कोई इस कुएं की। यूसुफ, तुम्हें फ्लावर्स की लैंग्वेज आती है, फूलों की जुबान? मुझे फूलों के नाम आते हैं, कॉमन नेम्स भी और बोटैनिकल नेम्स भी। और फूलों की जुबान? फजूल, इनकी कौन सी जुबान है? अच्छा तुम फूलों के नाम लो, कोई भी से नाम, मैं तुम्हें इनकी जुबान सुनाऊंगी। बोलो ना। आमन ब्लॉसम, I'm beginning to enjoy your friendship. Karnakshat, I offer you a chariot. Benson, you're never absent from my thoughts. अंकल आप यूनिवर्सिटी जरूर आइएगा, मैं आपको अपनी लेबोरेटरी दिखाऊंगा। अरे जल्दी, मैंने तो कभी यूनिवर्सिटी नहीं देखी। तो बेटी मैंने तो कभी यूनिवर्सिटी देखी, तो तेरी लेबोरेटरी देख के क्या करूंगा। बस तुम लोग जीते हंसते बसते रहो, जवानियां मानो, बस मेरी यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी तुम ही लोगों को। बस बड़ी अच्छी एग्जीबिशन लगी हुई है ग्राफिक आर्ट की, मैं आपको खुद दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा, हैरान रह जाएंगे सच। हाँ मैं जरूर आऊंगा बेटी, जरूर आऊंगा। आऊंगा कैसे, दीदियाणियों को तो बड़ा हक होगा बुजुर्गों पे। हाय हाय, क्या सोने कमरे हैं यूसुफ के अब्बा। अरे सैयदों का कहना है कि शायद उन्हीं के घर में फर्नीचर लगा, इधर आके देखे तो सिक्की गुम हो जाए उनकी। बस जी, गुजारा है अल्लाह की मेहरबानी से। अरे चार कमरे ऊपर में सोने वाले, इन नीचे वाले कमरों से बक। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। सरदार जरा दराज खोल कर वो खत को निकाल ला अपने अब्बू का। कौन सा खत अम्मी? वो जिसने ड्राफ्ट किया है 30,000 का। अच्छा, सिर्फ खत निकाल लेना, भाई साहब भी पढ़ लें। अच्छा जी, तो अब छोटा मुंह बड़ी बात है जी, मैंने पहले भी अर्ज की थी, वो अपना यूसुफ ना जी आदि का बच्चा है जी। जी हाँ बिल्कुल, मैं तो हमेशा से यही कहती रही हूँ कि लड़का लड़की हमेशा हम ख्याल होने चाहिए। देखे बहन जी, हमारे घर में ये ठाट बाट तो नहीं, पर अपनी काकी को फर्स्ट क्लास सिरी पाए चा पुट सब कुछ मिलेगा जी। हाँ जी बिल्कुल, लड़का आपके सामने है जी, आप बेटा बना लेंगे जी उसको बिना शक। खत भी डॉक्टर साहब का आया हुआ है, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो फैसला सरताज करेगी वही हमें मंजूर है। तो मैं फिर समझूं क्यों गुलाम जो रहा ना, आपको हमारे लिए कोई उजर तो नहीं ना? उजर कैसा भाई साहब, बच्चे खुश हैं तो हमें इतराज क्या, इनको इकट्ठे जिंदगी बसर करनी है और इनको साथ निभाना है, और फिर अल्लाह का दिया सब कुछ है, और हमारी कौन सी 10 बेटियां हैं। अम्मी कौन सा खत चाहिए, दोनों लिफाफों में ड्राफ्ट है। नहीं बहन जी, रहने देंगे, क्या जरूरत है पढ़ने की बिला वजह काम का, ठीक रहने देंगे। भाई साहब आप खुद पढ़ लें, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो फैसला सरकार करेगी वही हम दोनों का फैसला है। कहाँ गया? हाँ ये देखिए ये पैराग्राफ, उनको तो कोई इतराज ही नहीं सर। तो बस ठीक है बहन जी, जब उनको इतराज नहीं तो फिर मैं कौन हूँ इतराज करने वाला है जी। तो ठीक है मैं देख लेता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है जी कोई। जो बिल्ली मंदिर में रहे वो देवता से नहीं डरे गुलाम जोरा, और जब अपना यूसुफ उनके साथ रहेगा तो फिर उनका हो जाएगा, तो फिर उनकी दौलत से क्यों डरेगा वो। अल्लाह बख्श, मेरी सास मर गई मगर अपनी रूह तुम्हारे अंदर छोड़ गई। अरे लाला याकूब, सीधी पदी बात तुम्हारी समझ में भी नहीं आती,
मैं पूछती हूँ कि वो पूना शहजादी रहेगी कहाँ? कहाँ रहेगी वो पूना शहजादी? कहाँ रहेगी? जहाँ हम रहे और कहाँ रहेगी? जहाँ यूसुफ रहे और वो कहाँ खाएगी? क्यों भाई यूसुफ? यहाँ इस घर में, इस चुबारे वाले कमरे में, जिसकी ईंटों की जाली है, जिसके जगह जगह चिड़िया ने घोंसले बना रखे, खैर से ही इस बांसी सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर अपने कमरे में जाया करेंगे, है ना? ना तो अपना यूसुफ ये बांसी सीढ़ी करके ना जावे ऊपर, वो क्या रिक्शे में जावे? अरे तौबा कर तौबा, वो यूसुफ के साथ इस बुचड़खाने में नहीं रहेगी। अच्छा वो यूसुफ को यहाँ से लेके जाए। तो ले जाए ले जाए, तुझे क्या, मैं कौन हूँ घाम खा? जब एंटी मुनव्वर ने तो उड़चन नहीं डाली है तो तू घाम खा? जब उन्होंने हमारे पैगाम को हाथों हाथ लिया तो तू क्यों कल पे है? समझा गया अपनी माँ को खाम खा? अरे उन्हें क्या जरूरत है उच्चन डालने की है? वो तो रब की दरगाह से नको नक रजी करेगी, उसे क्या जरूरत? देख ओ देख देख गुलाम जोरा, देख देख देख, खुशी का मौका है, शादी की तैयारी कर, अल्लाह का नाम लेके ये एड़ियां उठाकर फांसी ना चढ़। अरे तो दुनिया में भी इज्जत रखनी होती है, बता अपने बाप को यूसुफ। बताता हूँ मैं, बताता हूँ। इस घर से बारात ढूंढेगी उस महल में, इस घर में वलीमा करोगे, इस घर में बुलाओगे यूसुफ के ससुराल वालों को। अरे अरे मैं कहती हूँ एक नजर से इस सारे घर को देख तो लो। माँ आहिस्ता बोलना। आहिस्ता ये आहिस्ता बोलेगी? ये तो कभी मरग में आहिस्ता नहीं बोली, ये आहिस्ता बोलेगी। ओ देख ओ देख, एंटी मुनव्वर ने हमको शरीफ समझा तो वहाँ की है, हम पे एतबार किया तो वहाँ की, हमारी साख मानी तो वहाँ की। अरे इस भरोसे पे दिन ना गुजारना कि उसने तुझे कुछ समझ के वहाँ की। अच्छा अरे उसने तो अपनी बेटी का राजा राजी किया, और अगर तुझे चिल्ली पर टंग के मजा आता है ना तो फिर यूसुफ की शादी कर दे उसके घर में। अच्छा मगर ये अपने दिल से निकाल दे कि उसने तुझे इज्जतदार समझ के हाँ की है। क्यों यूसुफ बेटा, कभी किसी अमीर आदमी ने अपने से ज्यादा किसी को इज्जतदार समझा? ठीक है माँ, तू भी ठीक है। क्या ठीक कहवे है, या माँ के साथ हो ले या मेरे साथ हो ले, तू भी ठीक कहवे है ना। तेरे ख्याल में कौन इज्जतदार होगा? इज्जतदार वो होंगे जिनकी कोठियां सरताज जैसी हो, बारात निकले तो 100-150 आगे पीछे गाड़ी हो, शामियाने लगे हुए हो, बड़ी देख के लोगों को मिर्गी पड़ जाए। अच्छा जो खत खोले अंदर से ब्रिज नोट निकले, चांदी की रेडियो पे खाना खाने का सामान कमरों कमरी जाए, लोग कालीनों पर जूते लेके फिरे, नौकर आगे हो के दरवाजे खुले। ओ पागले, ओ सुन गौर से, इज्जतदार वो होवे जो अच्छे खानदान से होवे, अल्लाह और रसूल के मानने वाला होवे, रिज के हलाल खावे, नीयत का नेक और जुबान का सच्चा होवे। बस बस यूसुफ काका, तू किसी सूखे था अपना ब्याह कर ले। अपने अजीजों में कराएगी तेरी ये शादी रूखे था? ये सब तेरे बाप की समझ का हेर फेर है। अच्छा ये हमें बेइज्जत कराएगा, ये हमारी नाक कटवाएगा। मेरी समझ में तो हेर फेर ना, अब तेरा क्या ख्याल है, मैं यूसुफ की शादी से इनकार कर दूं, मुकर जाऊं जुबान से? अरे कर कर, 100 बिस्मिल्लाह कर, पर कोई अपना बना मुडेर मुरम्मत कराना कि नहीं, कोई अपना नलताप छुपाना कि नहीं, कुछ सज्जे खबे, कोई बाग बगीचा, कोई ऊंचे जोड़े बर्तन भांडे, कोई फर्नीचर, कोई कालीन? क्यों यूसुफ बेटा, दरवाजे ऊंचे कराने हो ऊंटों के दाखले के लिए या नहीं? बता अपने बाप को कि इन दरवाजों से ऊंट आ सकते हैं अंदर या नहीं? ओ भगवान देख, हम उनका मुकाबला कैसे कर सके, वहां डॉक्टर की कमाई आवे और यहाँ कसाई। अरे कसाई को भी अगर इसके हलाल का ताप ना चढ़ाओ तो सब कुछ हो सकता है, मगर मुश्किल तो यही है कि तुझे सारी उम्र गरीबी का चस्का पड़ा रहा है। खैर मेरी तो जैसे तैसे गुजर गई, मगर उसके तो गोदा पे भुगता ना मार। दौलत मासूक जरूर हो बे गुलाम जोरा, हाँ, पर हो बे बेवफा। तेरे साथ तो मथा खामा खा लगाना है, तेरा मजाज तो बिल्कुल तेरी माँ पे गया। अच्छा उसके साथ भी सारा सारा दिन दिन खपाओ, मगर नहीं मानती थी अल्लाह जिन्ना नसीब। खबरदार खबरदार, जो उस बहिस्तन का जिक्र किया तो। अरे मैं कहती हूँ सोच ले सोच ले, अरे दुल्हन लाएगा तो उसे कहाँ उतारेगा। मैं कहती कमाना चाहता तो तू भी रच के कमा सकता था, मगर तुझे तो सारी उम्र कहावतों का ताप चढ़ेगा, उच्चे कल्याण का शौक रहा, रिस्के हलाल की बीमारी रही। यूसुफ बेटा ये हमने उनमें बहुत फर्क हो गया। फर्क तो है अब्बा, क्या किया जाए? पर मत जी हल्का कर यूसुफ बेटे, मत जी हल्का कर, इंशाल्लाह सारे फर्क खत्म कर दूंगा, सारे फर्क मिटा दूंगा। हाँ यकूब कसाई इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया, मुकाबले की चोट है, इंशाल्लाह पूरा उतरूंगा, इंशाल्लाह बराबर की दौड़ होगी। हाँ बनी तो भाई, ना बनी तो दुश्मनाई,
इंशाल्लाह बनेगी जरूर, और तू भी सुन ले गुलाम जोरा, तू भी सुन ले इंशाल्लाह। अब ये लाला यकूब सारी लेट निकाल ले। पर जी पिछड़ा भी तुझे को हड्डी भी ये को जानवर से लेना नहीं हो। पर ये तो ये क्या जहाँ से अच्छा को उसे मिले वहां से ले लो जाके भाई, ज्यादा पापा का टाइम नहीं अपने पास है। जाओ जाओ काम करो भाई, काम करने तो दुकानदारी खराब। हाँ जी साहब जी, आधा किलो कीमा हाथ का। आज के कीमे की फुर्सत नहीं है अपने पास साहब जी, मशीन का कैमरा तो निकलवा दें आपको जल्दी से, सोच ले बिजली पहले ही दो मरतबे जा चुकी है। ओके ठीक है, मशीन का चलेगा। अबे कत्ते के निकले के आध किलो के लिए प्लास्टिक का लफावा जाया करे अखबार के कागज में। दे चमारी का पूत नाम जग रतन। आधा कीमा तो कागज को लग जाता है, प्लास्टिक के लफावे में डाल कर दो। प्लास्टिक के लफावे नहीं है अपने पास बीबी, रकम लगे है प्लास्टिक के लफावे पर, किसी और दुकान से ले ले जाके। ठीक है इसमें डाल। लो मिया। चाचा काजी साहब के घर से इंटरव्यू लेने आया था, मैंने इसमें से 3 किलो दे दिया है। मैंने एक बार पहले भी तुम्हें कहा था हाँ, कि पहले खराब को तुम निकालो। अबे जो कल का हंटर भी पड़ा वो क्या अपने बाबा की बर्सी में रखेगा? और ये तू क्या दे रहे अभी भी 4 रुपए लगते पट्टे पे, 12 रुपए किलो बिके हैं यहाँ पे। लेकिन भाव तो 8 का है सरकारी। 8 का है तो बाजार खुला पड़ा है बीबी, जा तू भाव के मुताबिक ले ले तू। तुम्हारा आए जी मास्टर जी, कमाल है मेरे भाव 2 साल से ऊपर हो गया मास्टर जी आपको देखे हुए। वो मेरी तब्दीली हो गई थी याकू भाई, छुट्टी आया हूँ 10 दिन। अच्छा वो गोश्त के भाव क्या बढ़ा लिए? क्या करे मास्टर जी, मजबूर हो गए बस और क्या। हाँ अब क्या करे, मौत की जोत है अनहोत पड़ा रोत है। मजबूर हो गया दिल के हाथों। दिल के हाथों वो बड़ा सख्त मुकाबला हो गया मास्टर जी, वो अपने यूसुफ ने बड़े घर न्योता डाल दिया, बस मजबूर हो गया दिल के हाथों। हाय 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 हाय। लेकिन कंट्रोल से ज्यादा बेचना तो आजकल बहुत बड़ा जुर्म है आपका भाई। मास्टर जी मैं तो कंट्रोल रेट से भी 4 आने कम बेचू था, आप तो जाने हैं अब मजबूर हो गया हूँ। वो दौलत के ड्रिल मास्टर ने सीटी बजाकर रेस करा दी अपनी। हाय 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 हाय। किससे रेस करा दी आपकी? वो डॉक्टर चिश्ती। डॉक्टर चिश्ती नहीं, अपने यूसुफ ने इरादा कर लिया उसके घर शादी करने का। आदमी है अच्छे और लड़की है भगवान, पर नाम में बड़े आगे हैं मास्टर जी अपने से। लड़की का बाप कनाडा में डॉक्टर है, 30,000 रुपया महीने का कमावे भागे। दोनों मुल्कों में ये इज्जत है अपने समझी की। हाय 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 हाय। तो क्या हुआ आपको भाई? ना तो आप जो बारात लेके वहां जावेंगे हैं तो ऐसे जावेंगे? आप खुद सोचे मास्टर जी, आप तो चलेंगे ना अपने भतीजे की बारात में। हाय 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 हाय। जरूर चलेंगे आपको भाई, जरूर चलेंगे। तो फिर आपका क्या ख्याल है, मैं आपको ऐसे ले जाऊंगा इस हाल में? ना मास्टर जी ना, आप तो 12 रुपए किलो को ज्यादा समझे हैं। मेरा तो जी चाहे 1200 रुपए किलो बेचूं, सारी कमी निकाल लूं, सारी कसर सारी लेट निकाल लूं 6 महीने के अंदर अंदर। हाय 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 हाय। लेकिन क्यों याकूब भाई क्यों? इज्जतदार बनने के लिए मास्टर जी, इज्जतदार उमरार सुरभा में शामिल होने के लिए, हर आदमी अपने आप को इज्जतदार बनाने के लिए, तो चौधरी बनने के लिए दूसरों की नजरों में, दौलत माल जायदाद जमीन ने इजाफा करे तेजी के साथ। इज्जत किसको प्यारी नहीं हो मास्टर जी, कौन इज्जतदार बनना नहीं चाहे? हाय हाय हाय। हर एक को इज्जतदार बनना चाहता है याकूब भाई, हर एक को। तो फिर मास्टर जी इज्जत की पमैश माल के काज से हो गए, इसी फीते से नाप नाप के नाम बोला जावे इज्जतदारों का।
मैं भी नीचे दारों में शामिल होना चाहूँ मास्टर जी, क्या कुछ बुरा लगे? हाय 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 कोई बुरा नहीं, लेकिन मेरा मतलब है यार। मतलब छोड़े मास्टर जी, ये महंगाई कीमतें मुकर्रर करने से नहीं रुके हैं। हाँ ना, ये लोग जो रुपया जमा करे हैं, आपका क्या मतलब है ये को खाने जमाने के लिए जमा करे? ना मास्टर जी ना, इससे ये इज्जत खरीदे, शोहरत खरीदे, वाबा खरीदे, नेक नामी खरीदे, ऊंचा बड़े हैं, आला बड़े हैं दूसरों की नजरों में। तो जब मास्टर जी इज्जत के नाप तोल के लिए सिर्फ यही फुट्टा रह जाए नाप तोल का, तो फिर हर कोई जो है ना वो दौलत हासिल करने को लग गया, हर कोई इसी पटाखे पे छोड़े है घोड़ा रेस का। हाय 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 हाय, इससे सार्फिन को बड़ी तकलीफ होती है। सार्फिन, ये सार्फिन मास्टर जी थोड़े सब झूठे और मुनाफक लोग हो गए, थोड़े इनका दोगलेपन को। हाय 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 हाय, ये तुम क्या कह रहे हो याकू भाई? मास्टर जी ये सार्फिन सारी बुराई की जड़ हो गई, आपके सार्फिन, अगर ये आपके सार्फिन हालात और महंगाई पे बिना वजह नुकता चीनी करने के बजाय इस बात का इरादा कर ले और इस इरादे का अमली सबूत देवे कि वो महंगी और बेजरूरत चीजें नहीं खरीदेंगे, तो पीर मंगल बुध जुमेरात की सुबह तक सारी की सारी महंगाई आपसे आप खत्म हो जाए। अरे ये तो बातें बनाने में मजा लेवे है। आपने देखा होगा मास्टर जी कि सबसे ज्यादा जो महंगाई का जिक्र करें ये अमीर लोग करें, ऐसे ही तफरी की खातर, बात से बात निकालने के लिए। छोड़े मास्टर जी, आपकी तो बात ही और है। आपको अपने यूसुफ की बारात में वो सूट पहनवा के लेके जाऊंगा जो सरफदीन जर्मन से लेके आया है, पूरे 2,150 रुपए का। मैंने कहा खबरदार, किसी और के साथ जो सौदा किया तो रुकवा दिया आपके लिए मैंने। हाय हाय हाय, वो तो आपकी मेहरबानी आपको भाई, लेकिन मेहरबानी मेहरबानी कुछ नहीं मास्टर जी, उन भर से तू क्यों उतर से, इज्जत का मामला है और इज्जत बिके, चाहे कालीन के भाव ले लो, चाहे मोटर के भाव ले लो, और चाहे कोठी के हिसाब में खरीद लो, और चाहे वलायती सनदों का ऐलान करके। एक बात याद रखना मास्टर जी, हमें इसके लिए मेरी 100 गज रस्सा सिरे पे गांठ। जब तक ये इज्जत दौलत के फीते से नापी जाती रहेगी ना, महंगाई बढ़ती जाएगी। वो जैसे आतस बाजी नहीं जावे सीधी आसमान पे सूं करके। हाय 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 हाय, अबा ये कार के सैंपल लाया हूँ, पसंद कर लो जो भी रंग तुम्हें पसंद हो। तो मुझे क्या दिखावे, मुझे क्या पता, बस इतना सोच लेना उनसे कम ना हो। हाँ सुना हो, 21 चाहे हो ना हो, मास्टर जी को दिखा जरा। नमस्ते जी, देखो हाय 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 हाय।